सरकार एक तरफ जहां भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद के कारागार में खुला भ्रष्टाचार चल रहा है। बता दें कि कैदियों से मिलने के लिए जाने वाले लोगों से 10 और 5 रुपए की खुलेआम कंप्यूटर कक्ष में बैठा हुआ युवक वसूली करता है, उसके बाद ही उनको पर्ची दी जाती है। वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि लड़का किस तरह से छुट्टे पैसे लेकर के लोगों को पर्ची दे रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अगर सरकार लगातार भ्रष्टाचार को लगाम लगाने की बात करती है, तो आखिर किसकी सह पर इस तरह से धन उगाही का कार्य हो रहा है? और जब रक्षाबंधन के मौके पर आज माताएं बहनें जेल में बंद अपने परिजनों से मिलने के लिए गईं, तो उन्हें भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। और जब तक उन्होंने रकम नहीं दी, तब तक उन्हें पर्ची नहीं दी। ऐसे में ये बहुत बड़ा